साथ ही हमारे चीफ गेस्ट और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन चौधरी ज़ेवला साहब यहाँ पर ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं। सर भरपूर चेयरिंग होनी चाहिए और पता चलना चाहिए हमारे स्पोर्ट्स गाला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله। कुराने पाक के बाद अब मैं नाते रसूल मकबूल का शर्फ हासिल करने के लिए यहाँ दावत दूंगा सुबान जफर खान को 10th सुपर सेक्शन से। सुबान जफर खान। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होंठों तारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मुहम्मद, हर खता पर मेरी चश्म पोशी, हर तलब पर अताओं की बारिश, हर तलब पर अताओं की बारिश, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मेहरबान ताजदार मदीना, मेरे दिल में है यादे मुहम्मद। आगाज करने वाला हूं जिसमें मैं थोड़ा सा चीफ गेस्ट को और अब बाकी हमारे मेहमानान को बताता चलूं, इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये किस तरह से होता है। हमारे चार हाउसेस होते हैं सर, और चार हाउसेस के माबेन, चार हाउसेस गर्ल साइड से होते हैं, चार ही हमारे प्री स्कूल से होते हैं और चार ही हमारे बॉयज साइड से होते हैं, और इनके ही आपस में मैचेस होते हैं। हर तरह की गेम यहाँ खिलाई जाती है, और जो विनर हाउस रहता है, जितने मेडल्स जितके ज्यादा होते हैं तो वो डेफिनेटली विनर हो जाता है। अब उनकी प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने भी जरा गौर से देखनी है, ताकि इनके भी नंबर हैं उन हाउसेस में, एंड में जब ये सारे नंबर मुश्तरक तौर पर मिलाए जाएंगे तो एक विनर हाउस हमारे सामने आ जाएगा। प्रेजेंटेशन होगी, आपके सामने मार्च करते हुए आएंगे स्टूडेंट सारे, हर हाउस अपने हाउस के साथ आएगा, अपने इंचार्जेस के साथ आएगा, और यहां आकर थोड़ी बहुत सी परफॉर्मेंस होगी उनकी, और प्रेजेंटेशन के हमारे जजमेंट्स हो रही है, जज हमारे बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग भी काइंडली अपने तौर पर भरपूर अप्रिशिएट भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने वाला है। और बिला ताखीर अब मैं प्री स्कूल से इस सिलसिले का आगाज कर रहा हूं। चेयरिंग भरपूर होनी चाहिए इन हाउसेस के लिए भी। यू पीपल रेडी? ओके, प्री स्कूल आर यू रेडी? बॉयज के हाउसेस हमारे पीछे हैं, वहां तक भी मेरी आवाज जा रही होगी, उनकी बहरहाल मुझ तक जरूर आ रही है। तो मैं बिला ताखीर अब
इस सिलसिले का आगाज करूंगा प्री स्कूल से। सबसे पहले अब ग्राउंड में मार्च करते हुए आएंगे ग्रीन प्री स्कूल, ग्रीन हाउस प्री स्कूल की टीम। स्लोगन सुन के अभी तक मुझे सुनाई नहीं दिए। ग्रीन हाउस वेयर आर योर स्लोगन्स? वेरी गुड, ग्रीन हाउस फ्रॉम द गर्ल साइड, यू पीपल मस्ट एप्रिशिएट देम। उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस आपकी स्पोर्ट्स में भी हमें नजर आएगी, जिस तरह से शानदार आपकी कल।
साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आप डाइस पर माइक पर आइए और बच्चों से आज के दिन के हवाले से जो आप कहना चाहें स्पोर्ट्स गाला के हवाले से, इन कलर्स के हवाले से, बच्चों की कोशिश के हवाले से प्लीज सर आपकी भरपूर क्लैपिंग भरपूर शेयरिंग में मलिक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब जियाउल्लाह साहब सरबरा एक्सप्रेस स्कूल चौधरी मुशारत अली हुंडल साहब प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान, मेरे दोस्त शाह सर, प्रिंसिपल साहब, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इंतहाई खुशी महसूस हो रही है क्योंकि पहले मैं इस स्कूल में आता जाता रहा हूँ, मेरे सारे बच्चे इसी स्कूल से पढ़ के गए हैं, तो आज यहाँ पे मेहमान खसूसी बन के आना मेरे लिए एक एजाज की बात है। और यहाँ पे जो एक्टिविटी नज़र आ रही है माशाल्लाह, अगर तमाम प्राइवेट इदारों में ऐसी ही सरगर्मियाँ हों और खेलों को ऐसे ही फ़रोग दिया जाए तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है और यहाँ पे आना मेरे लिए एतराज की बात है। थैंक यू, अस्सलाम। हमारे इंतहाई वजबुल एहतराम मेहमान मलिक एजाज अहमद बोर्ड साहब, थैंक यू सो मच सर, आपकी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके साथ ही मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीमिया खान चौधरी बिशारत अली हुंडल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आइए और बच्चों से आज के दिन के हवाले से, इन कलर्स के हवाले से जो आप कहना चाहें आप कहिए। जरा भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे आज के मौजूद मेहमान। अम्माबाद मोस्ट रिस्पेक्टेबल चेयरमैन ऑक्सफ्रेज स्कूल एंड कॉलेजेस सर जियाउल्लाह साहब, मोस्ट रिस्पेक्टेबल योर एक्स पीटी मास्टर एंड माइन आल्सो सर जाहिर शाह साहब,
principal of this school and my lovely friend, my general secretary of district bar, Rahimyar Khan, Malik Ijaz Ahmed Bohar, and very beautiful kids, boys and girls, assalamu alaikum. मैं सबसे पहले तो तमाम टीचिंग फैकल्टी को और स्कूल इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आज इतना खूबसूरत ये स्पोर्ट्स गाला ऑर्गेनाइज करवाया, जिसकी आज इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जिस पे हम आज यहाँ पे बतौर चीफ गेस्ट मौजूद हैं। मुझे ये कहने में कोई आर नहीं महसूस हो रहा कि आप लोगों का एंथुजियम, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का बलबला, आप लोगों की नारेबाजी, चैंटिंग, इट्स प्रूविंग दैट यू आर हैविंग लॉट ऑफ फन, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस स्पोर्ट्स गाला। और ये किसी भी स्टूडेंट के लिए करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिनमें खास तौर पे स्पोर्ट्स शामिल हैं, वो उनकी हेल्थ के लिए खास तौर पे आज के दौर में बहुत लाजमी है। और आप लोगों को भी आजकल बहुत शाद-शाद ही मौका मिलता होगा इस तरह के इवेंट्स में, आप लोग भी स्कूल एक्टिविटीज, स्टडीज, उसके बाद घर भी ट्यूशंस, और ट्यूशंस के बाद जो टाइम बचा वो या टीवी या मोबाइल तो हर किसी की आजकल एडिक्शन बन गई है, तो उस दौर में ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली चैंटिंग, नारेबाजी। वो चूंकि मैं खुद सियासी सा स्टूडेंट रहा हूं हमेशा ही, तो खास तौर पे ये टीम रेड को जो नारा दिया गया, वो जिसने भी दिया खुश मत हो, वो अधूरा नारा दिया गया आपको, वो कंप्लीट मैं कराता हूं, सिर्फ एक लफ्ज मिसिंग हो गया, जब लाल लाल लहराएगा तब लग पता जाएगा, जब मिसिंग है उसमें, जब लग लाल टीम येलो की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त थी, टीम ब्लू की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त और ग्रीन थी, दैट वॉज लवली टू पार्टिसिपेट ओवर हियर। क्योंकि मैं तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक कुदरत का करिश्मा है कि आज हम यहां पे मौजूद हैं, तो जो आपके एक्स पीटी मास्टर रहे हैं वो ये देख लें कि दो जनरेशन के पीटी मास्टर रहे हैं। मैं खुद मैट्रिक में, सर जाहिद शाह साहब जब मैं मैट्रिक में था तो मेरे पीटी मास्टर थे, वो उनका स्टार्ट था उस टाइम बतौर पीटी मास्टर, और मेरा वो स्कूल की एंडिंग थी, तो उस लिहाज से उसके बाद वो मेरे बच्चों के इसी स्कूल में ऑक्सफ्रेड में पीटी मास्टर है। दैट वॉज रियली ऑनर फॉर मी, ए टीचर हु टॉट मी टू हाउ टू प्ले, हाउ टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, ही टॉट माई किड्स टू, दैट वॉज रियली ग्रेट। और ये जिस तरह आपको मैंने बताया कि जिस तरह सेक्रेटरी साहब के बच्चे इस स्कूल में पढ़े हैं, मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ के गए हैं। मेरा बड़ा बेटा ज़ियाद जो है वो इसी स्कूल से मैट्रिक करके गया है, बाकी स्कूल छोटे बच्चे जो है वो बाद में स्कूल शिफ्ट हुए उनके, और ये स्कूल मादरे इल्मी एक लिहाज से मेरे बच्चों का भी है। मैं सर ज़ियाद साहब को और स्कूल इंतजामिया को एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ ये स्पोर्ट्स गाला ऑर्गेनाइज कराने के लिए, बच्चों में ये जज्बा और ये जो गलबला है उसे कायम दायम रखने के लिए, ये कायम रहना चाहिए, इस नर्सरी को इसी तरह फलना फूलना चाहिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और अब मैं आपके इसी तरह की चेयरिंग और इसी तरह से इससे भी भरपूर क्लैपिंग में चेयरमैन ऑक्सब्रिज एजुकेशनल ग्रुप, जिनकी वजह से ये सारी रंगीनियां हैं, जिनको देख देख कर लोग एजुकेशनिस्ट बन रहे हैं और बने हैं, उनको स्टेज पर आने की दावा देता हूं। चौधरी ज़ियाउल्ला साहब, आपकी भरपूर क्लैपिंग में चेयरमैन ऑक्सब्रिज एजुकेशनल ग्रुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चीफ गेस्ट बशारत हुंदल साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर मलिक एजाज साहब, मेरे काबिले सादे एहतराम पीटी साहब, कारी साहब, मेरे काबिले एहतराम टीचर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम।
मुझे इसके लिए ना तो बिशारत साहब की गवाही दिलवाने की ज़रूरत है, ना शाह साहब की, जाहिद शाह साहब की, कि हमारी प्रायोरिटी में हमेशा जहां स्टडीज़ रही हैं वहीं गेम्स और एक्स्ट्रा करिकुलर जो है प्रोग्राम वो भी हमारी प्रायोरिटी में रहा है। और हम हमेशा इस चीज़ की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा है कि गेम जो हैं वो बच्चे में पेशेंस पैदा करती हैं, और इस दौर में इस कौम को सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, और एक्स्ट्रा करिकुलर जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। हमारा मुस्तकिल स्टेज बना हुआ है, और जितनी एक्टिविटीज हम करते हैं कोई अदारा नहीं कर सकता, तो इसलिए ये हमारी हिस्सा है हमारी एक्टिविटीज़ का, हमारे सिलेबस का, हमारी कह लीजिए कि सारे साल की जो होते हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसमें बच्चे बहुत जोशो खरोश से हिस्सा लेते हैं, और मैं टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अपने अपने जो हाउसेज हैं उनको तैयार किया है। ज़्यादा देर तक हायल नहीं रहना चाहता, बिशारत साहब जाना चाहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चार दिन जो है इसको आप खूब ना सिर्फ इंजॉय करेंगे बल्कि इसको इस अंदाज से आप लड़ेंगे कि आपका हाउस जो है वो विन करे। थैंक यू। सर ये शील्ड हमेशा आपको इस दिन की हमारी बच्चों की याद दिलाती रहेगी।